नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। और हमारे साथ मौजूद हैं गौरव वस जी, जो आज हम बात करेंगे चुनाव की। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, कौन जीता है, कितने मार्जिन से जीता है, इस पर बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रुड़की विधानसभा की। रुड़की विधानसभा में इस बार भी विधायक प्रदीप बत्रा ने हैट्रिक मारी है और गौरव जी 2200 वोटों से जीत हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नितिन जी, परसों आपने रुझान दिखाए थे, अपने रुझान में बताया था कि 1500 वोट या तो इधर या उधर, लगभग वो एग्जिट पोल भी आपका बिल्कुल सफल रहा है। और प्रदीप बत्रा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, जिसमें प्रदीप बत्रा विजयी हो गए। अब हम बात करते हैं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर पहले से ही कहा जा रहा था कि अब की बार भी ममता राकेश जीतेंगी, और हुआ भी ऐसा ही, ममता राकेश जीती और अच्छे मार्जिन से जीती। पिछली बार चुनाव में 2513 वोट से सुबोध राकेश को हराया था, अब की बार 4811 वोट से फिर से सुबोध राकेश को हराया है, क्या कहेंगे? जी नितिन जी, यहाँ पे भी आपने अपने एग्जिट पोल में भगवानपुर में ममता राकेश जी को जीता हुआ दिखाया था और लगभग 5000 वोट से आपने उस दिन भी कहा था और आज आप रिजल्ट आपके सामने है। ममता राकेश जी का कहा जा रहा था कि ये सीट तो उनकी सेफ सीट थी और कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं सुबोध बहुत मजबूत है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। ममता राकेश ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और इस बार फिर से वो विजयी हो गई, ठीक है। लक्सर सीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो संजय गुप्ता पहले ही सरेंडर कर चुके थे और कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार यहां से शहजाद विजयी होंगे, और हुआ भी ऐसा ही, शहजाद विधायक बने वहां से और बड़े अंतर से जीत लक्सर से हुई है, 10,440 वोट से जीते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल नितिन जी, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ था, वोटिंग पड़ी थी, तो अगले दिन ही संजय गुप्ता जी ने कहा था कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है, भीतरघात हुई है। आज वो बात ऐसा लग रहा है कि जब संजय गुप्ता हारे और शहजाद जीते तो शहजाद जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और मजबूत चुनाव लड़कर वो जीते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं बीजेपी की सेफ सीट कही जाने वाली रानीपुर विधानसभा की, तो वहां से अब की बार भी आदेश चौहान जीते हैं, लेकिन जितना पिछली बार 22,000 कुछ वोटों से जीते थे, लेकिन अंतर कम रहा, लेकिन जीत तो जीत होती है, 12,984 वोट से जीत की है उन्होंने। हाँ बिल्कुल, जैसे सुबह नतीजे आने शुरू हुए तो शुरू में राजवीर सिंह चौहान आगे चल रहे थे, लेकिन कहा जा रहा था कि भाई ये तो भाजपा की सेफ सीट है, और आपने अपने एग्जिट पोल में कहा था कि भाई रानीपुर सीट तो भाजपा जीत रही है, ऐसा ही होता नजर आया है और 12,000 वोट से आदेश चौहान। अब की बार कांग्रेस ने वहां पर अच्छा चुनाव लड़ा, ये कह सकते हैं चुनाव अच्छा लड़ा है। पिछली बार जीत का अंतर 22,000 का था और इस बार 12,984 वोट से आदेश चौहान जी जीते, ठीक है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने अब की बार भी जीत हासिल की है और हरिद्वार से अच्छी जीत वो हासिल करते हैं, पहले 36,000 वोटों से लगभग उनकी जीत हुई थी, लेकिन इस बार वो अंतर कम तो हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है और 15,242 वोटों से वे विजयी हुए। बिल्कुल नितिन जी, हम सुबह जब रिजल्ट आ रहे थे हम देख रहे थे कि भाई 100 वोट से आगे चल रहे थे सतपाल ब्रह्मचारी, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई मदन कौशिक लास्ट में आकर अच्छी लीड ले लेंगे, हुआ भी ऐसा ही, लगभग 15,000 कुछ वोटों से मदन कौशिक जी जीते हैं। हालांकि पिछली बार 35,000 वोट से जीते थे, इस बार अंतर कम रहा है, आपने अपने एग्जिट पोल पर यहाँ पर भी मदन कौशिक जी को जीता हुआ दिखाया था और यहाँ भी आपका एग्जिट पोल बिल्कुल सच साबित हुआ है। अब हम बात करते हैं पूरे उत्तराखंड की हॉट सीट कही जाने वाली, उमेश शर्मा की मैं बात कर रहा हूं, खानपुर से चुनाव लड़े हैं और ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई रानी दिव्यानी वहां से जीत सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वहां से बहुत अच्छी जीत हासिल की है निर्दलीय प्रत्याशी उमेश शर्मा ने, और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि उसका उन्हें फायदा मिला है। बिल्कुल, जब मुझे आज भी याद है जब उमेश शर्मा जी पहली बार रुड़की आए थे, हम लोगों ने उनकी मीटिंग कराई थी, पत्रकारों के कुछ झगड़ा हुआ था, उनके सम्मान के लिए वो यहाँ पर आए थे, पत्रकारों के सम्मान के लिए वे चुनाव के मैदान में उतरे थे, और आज देखो कितना बड़ी लड़ाई लड़ी है, बहुत अच्छे परिणाम उससे जीते हैं, 5,000 वोटों से जीते हैं नीति जी, और हेलीकॉप्टर उड़ गया, 6,495 वोटों से उन्होंने विजयी हासिल की। देखिए 3 महीने में अपने आप में इतना बड़ा चुनाव लड़ना, इतनी बड़ी विधानसभा से चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी बात है जी, और हम खुद भी एक पत्रकार है तो हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है। कलियर विधानसभा की बात करते हैं तो कलियर विधानसभा में एक बार फिर फुरकान जी जीते हैं और अच्छे अंतर से जीते हैं, 15,238 वोटों से जीत हुई है। उधर मुनीष सैनी
को हार का सामना करना पड़ा है। क्या कहेंगे, अब की बार जो टिकट वितरण था क्लियर को लेकर कहा जा रहा था कि भाई जय भगवान सैनी को टिकट दिया जाता तो वो जीत हासिल कर सकते। बिल्कुल, यहाँ पर भाजपा ने बहुत बड़ी गलती करी थी जय भगवान सैनी का टिकट काटकर, क्योंकि जय भगवान सैनी पिछले 10 साल से तैयारी कर रहे थे और हिंदू वोट के साथ साथ उनके पास मुस्लिम वोट भी काफी था, लेकिन टिकट काटने के बाद भाजपा का विरोध हुआ और वहीं बसपा ने सुरेंद्र सैनी पर दाव लगाया। सुरेंद्र सैनी भी 11,000 वोट ले गए और यहां पर पहले ही माना जा रहा था, आपने अपने एग्जिट पोल में बताया था नितिन जी कि क्लियर सीट कांग्रेस जीती और काफी मार्जिन से जीती, 10,000 वोट से आपने बताया था और वही 12,000 वोट से फुरकान अहमद जी जीते। ठीक है, अब मंगलोर विधानसभा की मैं बात करूं तो वहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला हाजी सरबत करीम अंसारी में और काजी निजामुद्दीन में, लेकिन बाजी मारकर ले गए हैं हाजी सरबत करीम अंसारी और 661 वोट से, कुल 661 वोट से उनकी जीत हुई है। बिल्कुल नितिन जी, जैसे आपने एग्जिट पोल दिखाया था और आपने उसमें कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान दे रही है और वही रिजल्ट आपके सामने हुआ, हाजी साहब जीत गए हैं। हालांकि फाइट बहुत क्लोज रही, बहुत टफ फाइट रही, कभी 100 वोट से वो आगे, कभी 100 वोट से वो पीछे और अंत है हाजी साहब यहां पर जीत गए। गौरव जी, ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से सुरेश राठौर विधायक थे, कहा जा रहा था कि भाई अब की बार भी जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हुआ उसके उलट और वहां से रवि बहादुर अच्छे मार्जिन से जीते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा चुनाव रवि बहादुर ने लड़ा जी। एक ऐसा जो कांग्रेस का यूथ कार्यकर्ता था उसे कांग्रेस टिकट दे देती है और जनता इतना भरोसा उस पर जिता देते हैं कि 10,000 वोट से 13,376 वोट से रवि बहादुर ने जीत हासिल की है। बहुत मजबूत चुनाव जा रही है ये। चलिए बात कर लेते हैं झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र की। भाई कहा जा रहा था कि वीरेंद्र जाति एकदम नीचे से डाउन टू अर्थ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि राजपाल भी अच्छी फाइट में है, ये दोनों के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन आंशिक बढ़त राजपाल को दी जा रही थी जो भाजपा के प्रत्याशी थे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। वीरेंद्र जाति वहां से अच्छे मार्जिन से जीते हैं और 8,090 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन था, जैसे आपने अपने एग्जिट पोल में बताया था कि भाई बसपा तो तीसरे नंबर पर चली गई है, मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही था, लेकिन लग रहा था कि भाजपा भी मजबूत चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वीरेंद्र जाति काफी अच्छे वोटों से झबेड़ा सीट जीत गए। हरिद्वार ग्रामीण की अगर हम बात करें तो स्वामी यतीश्वरन जो कैबिनेट मंत्री भी थे अच्छा चुनाव लड़े, बहुत अच्छा माना जा रहा था कि भाई अब की बार भी वो जीतेंगे, लेकिन अनुपमा रावत जो हरीश रावत जी की पुत्री हैं उन्होंने उन्हें 4,475 वोट से मात दी है और जीत हासिल की है। क्या कहेंगे, चौंकाने वाले नतीजे हैं ना? भाई नितिन जी, मैं तो सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि आपका जो एग्जिट पोल है वो सभी सीट पर सच होता दिखाई दे रहा है। आपने हरिद्वार ग्रामीण की भी आपने बताया था कि भाई यहाँ पर अनुपमा रावत काफी अच्छे वोटों से जीत रही है, स्वामी जी चुनाव हार रहे हैं और आज हुआ भी ऐसा ही, लगभग कितने वोटों से, 6,000 वोट से 4,475 वोट हासिल की है। और मैं सभी आंकड़े अगर आपको बताऊं तो बीजेपी 48, कांग्रेस 19 और अदर खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सामने हैं आपके जो परिणाम आ रहे हैं, धीरे धीरे सब 5 बजे तक या 6 बजे तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये जो हमने आपको बताया ये क्लियर हो चुका है और ये सभी प्रत्याशी जीत चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बना रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा था कि जैसे सर्वे बता रहे थे कि भाई अब की बार कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, 30-32 या फिर 30-35 ऐसा ही कुछ अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या मोदी फैक्टर अब की बार भी चला? हाँ बिल्कुल, कहा जा रहा था कि पहाड़ों पर कांग्रेस बहुत मजबूत है जी, लेकिन देखा गया है कि भाई बीजेपी पहाड़ों पर तो अच्छी जल गई लेकिन मैदान में आकर बीजेपी फेल होती नजर आ रही है। बात एक और मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार चुके हैं। अब यह बड़ी बात है कि भाई मुख्यमंत्री अपनी सीट हार जाते हैं, अब की बार मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। क्या कहेंगे नितिन जी? एक बड़ी बात और भी है कि हरीश रावत फिर से चुनाव हार गए और लगभग 20,000 वोटों से मार्जिन से हरीश रावत भी चुनाव हार रहे हैं। पिछली बार भी जब चुनाव लड़े थे, दो जगह से चुनाव लड़े थे तो दोनों जगह से हारे थे, अब की बार भी उन्हें हार का सामना देखना पड़ा है। मुझे लगता है कि हरीश रावत अब आने वाले जो चुनाव हैं उसमें कहीं नजर नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो विश्वास जनता विश्वास कर रही है कि भाई हरीश रावत बहुत मजबूत है, ऐसा लग रहा है कि उनकी स्ट्रेटेजी उत्तराखंड में फेल हो गई जी। तो आपको हमने सभी आंकड़े दिखा दिए हैं,
जो हरिद्वार जिले की 11 की 11 सीट थी उसमें से मुझे लगता है 3 भाजपा की झोली में गई हैं। बिल्कुल, और कांग्रेस की झोली में भी गई हैं, अन्य की भी झोली में गई है, निर्दलीय दो बसपा की में जीती है, एक निर्दलीय जीती है। तो ये आंकड़े हमने आपको दिखाए, अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आप उत्तराखंड में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। बिल्कुल।